नमस्कार, मैं असगर अली। अभी हम नेशनल हाईवे नंबर 11 पे हैं, यहाँ गुसाई सर फांटा पे। और यहाँ पे देख सकते हैं दो तीन थानों की पुलिस है, वो यहाँ पे पूरी मुस्तैद नज़र आ रही है। गुसाई सर फांटा से नापा सर होते हुए बीकानेर का जो रास्ता है वो डाइवर्ट किया गया है नेशनल हाईवे को। यहाँ गुसाई सर फांटा से आगे बीच में बंद किया गया है। और इसका मुख्य कारण है कि अभी जो पुनरा सर हनुमान जी मेला चल रहा है उसको देखते हुए यहाँ प्रशासन ने यहाँ जो रास्ता है उसको डाइवर्ट किया है। गुसाई सर आने के बाद गुसाई सर से नापा सर, नापा सर होते हुए गार्ड वाला होते हुए बीकानेर बाईपास रूट को डाइवर्ट किया है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से यहाँ यातायात व्यवस्था को संभाले हुए हैं। और यहाँ पे नापा सर थाना अधिकारी जगदीश पांडर पूरे पुलिस जाब्ते के साथ शेरुणा से बीकानेर बाईपास तक लगातार पुलिस व्यवस्था को देख रहे हैं। तो सर, ये किस तरह की यहाँ पे यातायात की व्यवस्था की गई है? पुनरा सर में हनुमान जी का जो 3 दिवसीय मेले का प्रोग्राम है उसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पर्याप्त मात्रा में मेले में तथा ट्रैफिक के लिए जाब्ते की व्यवस्था की गई है। अभी ज्यों ज्यों पैदल यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है मुख्य हाईवे पे, तो यहाँ गुसाई सर से नापा सर होते हुए बीकानेर जाने के लिए जो भारी वाहन है उनका डाइवर्जन किया गया है। वर्तमान में जो छोटे फोर व्हीलर है, कार वगैरह, वो हाईवे से चल रहे हैं। ज्यों ही और पैदल यात्रियों की भीड़ बढ़ेगी उसके साथ साथ सभी प्रकार के जो वाहन हैं उनका सबका डाइवर्जन किया जाएगा। ये सर कितने दिन तक चलेगा यातायात जो गुसाई सर से आपसे डाइवर्ट किया नापा सर होते हुए, कितने दिन तक चलेगा? ये 3 दिन का है, 2 तारीख को सुबह तक चलेगा। और अभी देख सकते हैं कि भारी वाहनों के अलावा छोटे वाहन जा रहे हैं, क्या ये भी शाम होते होते ये भी पूर्णतया बंद हो जाएंगे यहाँ से जाना? जो ही भीड़ बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग डाइवर्जन का फैसला किया जाएगा। ये जो यातायात ड्राइवर्सन है ये शेरुणा से भी है या वहाँ नौरंगदेसर से भी है? ये उधर बीकानेर में हल्दीराम प्याऊ से डाइवर्जन किया गया है तथा यहाँ जो डूंगरगढ़ की तरफ से आने वाले व्हीकल्स हैं उनके लिए गुसाई सर से डाइवर्जन किया गया है। आपात स्थिति के जवान हो गए उनको तो छूट होगी? हाँ, आपात स्थिति के जवान है उनको हाईवे से जाने दे रहे हैं अभी। तो आप देख सकते हैं ये थे नापासर थाना अधिकारी जगदीश जी पांडे। और आप देख सकते हैं वाहनों की भीड़ लगी हुई है और भीड़ तो निश्चित तौर से लगेगी क्योंकि ये नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है और इनको गुसाई सर फांटा से सीधा नापासर होते हुए बीकानेर के लिए रूट को डाइवर्ट किया गया और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद है और पूरी यातायात व्यवस्था को संभाले हुए। और पुनरा सर मेले को देखते हुए यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है और कई थानों की जो पुलिस है वो बराबर यहाँ लगी हुई है।